उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप सिद्धार्थनगर जिले में भी सामूहिक विवाह आयोजन किया गया। इस जिले में 470 जोड़ों की शादी का लक्ष्य दिया गया है, जिसको जिला प्रशासन को 31 मार्च तक पूरा करना है। इसी कड़ी में आज 171 जोड़ों का विवाह समारोह जिले में आयोजित किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री चेतन चौहान ने शिरकत की। इस अवसर पर 155 हिंदू, 14 मुस्लिम, एक नेपाली और एक इंटरकास्ट जोड़े की शादी कराई गई, जिसमें शादीशुदा जोड़े को 10,000 रुपए का सामान और 20,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई। प्रशासन ने इस सामूहिक विवाह में धूमधाम का इंतजाम किया था। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। सबको कहना चाहता हूँ कि जब वो बड़े हो जाए रखना चाहिए और जैसे खुशी हो अपने स्तर से रहना चाहिए और अच्छे से हम रखें। वो भी अपने भगवान को मानते हैं, हम भी अपने श्री राम को मानते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ शादी। 171 जोड़ों की शादी यहाँ पर कराई जा रही है। इसमें 12 अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम समुदाय के हैं, बाकी हिंदू समुदाय की शादी यहाँ कराई जा रही है। देखिए, शासन के निर्देश के अनुसार 20,000 रुपए इनके खाते में जाएंगे, लड़की के खाते में जाएंगे 20,000 रुपए। के साथ ही साथ प्रोविजनल मैरिज सर्टिफिकेट वो दे रहे हैं। इसके साथ में 10,000 रुपए का इनको सामान दिया जा रहा है, तो परिवार को मिलेगा 30,000 रुपए। देखिए, तकरीबन 470 शादियों का हमारा अभी मार्च तक का लक्ष्य है, तो उसमें हम लोग की अराउंड 170 आज हो जा रही है, 300 बच रहा है। 300 में से हम लोग एक कार्यक्रम जनपद सभा और कराएंगे, बड़ा कार्यक्रम सामूहिक विवाह कराने का। आज 171 विवाह यहाँ पर हो रहे हैं और अधिकतर ये गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बीपीएल कार्ड धारक हैं। किसी को कल्पना नहीं थी कि इतनी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और इतनी संख्या में वर और वधु अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर आएंगे। एक जश्न का माहौल है यहाँ पर और सभी लोग इस कार्यक्रम की सराहना कर रहे हैं।